So hello everyone, welcome to my channel. In this video we have to learn thermodynamic derivation of the law of mass actions. I had already posted this video but the picture quality was not so clear, so I can again post this video. So let's get started. तो थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करेंगे हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शंस के लिए. तो इसको करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप वी हैव टेकन टू द रिवर्सिबल रिएक्शंस. तो हम लोग एक रिवर्सिबल रिएक्शंस को कंसीडर करेंगे. कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है. तो हम एक रिवर्सिबल रिएक्शंस को कंसीडर करते हैं. ठीक है, अब इसमें जो रिएक्टेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट. सो इसमें जो हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिए हैं वो क्या होगा, आइडियल गैस का होगा. देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर टेकन टू बी आइडियल गैस, ठीक है. अब हम लोग केमिकल पोटेंशियल लिखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. इफ म्यू वन, म्यू ए, म्यू बी, म्यू सी, म्यू डी, ये क्या है, आर केमिकल पोटेंशियल ऑफ, किसका पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल ए बी सी डी का एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है. अब हम लोग क्या लिखेंगे, फ्री एनर्जी लिखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ठीक है. टोटल फ्री एनर्जी लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल फ्री एनर्जी लिखेंगे रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का. तो टोटल फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, तो रिएक्टेंट का फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, तो रिएक्टेंट का फ्री एनर्जी जी रिएक्टेंट लिखेंगे. जी रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, रिएक्टेंट हमारा ये है, ठीक है, और हम लोग केमिकल पोटेंशियल लिए हैं इसको, तो हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी. ये हमारा क्या हो गया, फ्री एनर्जी हो गया रिएक्टेंट का. उसी तरह से हम लोग फ्री एनर्जी लिखेंगे प्रोडक्ट का, तो टोटल फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, जी प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा ये है, ठीक है, तो जी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी, ठीक है. तो ये हमारा टोटल फ्री एनर्जी हो गया रिएक्टेंट का, टोटल फ्री एनर्जी हो गया प्रोडक्ट का, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स. चेंज इन फ्री एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग फ्री एनर्जी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का लिख लिया, अब चेंज इन फ्री एनर्जी क्या लिखेंगे, तो देखो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे चेंज इन फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन, क्योंकि हम लोग चेंज इन फ्री एनर्जी ही निकालते हैं, ठीक है, तो चेंज इन फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, सॉरी चेंज इन फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल जी इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट, ठीक है. तो जी रिएक्टेंट, तो जी डेल जी इक्वल टू क्या, जी प्रोडक्ट क्या आया था हमारा, जी प्रोडक्ट हमारा ये था और जी रिएक्टेंट हमारा ये था, तो उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी, ओके, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी, ठीक है. तो ये हमारा चेंज इन फ्री एनर्जी आ गया, इसको इक्वेशन हम लोग वन मान लेते हैं, ठीक है, चेंज इन फ्री एनर्जी हमारा आ गया. अब हम लोग लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो डेल जी जीरो हो जाता है, तो ये वाला टर्म्स क्या हो गया, इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ, तो ये वाला टर्म्स आ जाएगा, तो सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी माइनस ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी, ठीक है, ये टर्म्स है, इसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि डेल जी क्या है, जीरो है इक्विलिब्रियम पे, तो ये मतलब पोर्शन उधर चला जाएगा, सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी. थोड़ा लेंथी डेरिवेशन है इसका बट इट्स वेरी सिंपल, ठीक है. तो ये हो गया हमारा, ये टर्म्स जो है वो उधर चला गया, तो ये हम लोग ऐसे लिखिए, ठीक है. अब हम लोग केमिकल पोटेंशियल ऑफ आइडियल गैस के लिए हम लोग लिखे थे क्या होता है, इसको इक्वेशन टू मान लो, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, केमिकल पोटेंशियल लिखेंगे, केमिकल पोटेंशियल हम लोग पढ़े थे इनर सिस्टम, मेरा इसका वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं. आइडियल गैस के लिए हम लोग केमिकल पोटेंशियल क्या लिखते हैं, आइडियल गैस के लिए हम लोग केमिकल पोटेंशियल क्या लिखते हैं, तो म्यू आई इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट मतलब स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है, प्लस आर टी ln p. ये वाला फार्मूला हम ऑलरेडी डिराइव्ड किए हुए हैं, इसका लिंक हम आइकन में डाल देंगे, आप लोग देख लेना. ये आ गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाले टर्म्स को हम लोग इसके फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है. तो c म्यू c के जगह हम लोग ये टर्म्स को इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, म्यू c नॉट प्लस आर टी ln p. सिमिलरली सबको सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो d म्यू d नॉट प्लस आर टी ln p इक्वल्स टू a म्यू ए कैपिटल होगा नॉट प्लस आर टी लैन पी, ठीक है, प्लस बी म्यू नॉट बी प्लस आर टी लैन पी, ठीक है. तो ये आ गया, अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है. तो आगे हम उसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, तो सॉल्व करने में थोड़ा इजी होगा, ठीक है. तो ये हो गया हमारा लास्ट इक्वेशन आ गया था, प्लस डी म्यू नॉट डी प्लस आर टी ln p इक्वल टू a म्यू नॉट a प्लस आर टी ln p प्लस b म्यू नॉट b प्लस आर टी
आर टी लेन पी। तो ये लास्ट इक्वेशन हमारा आया था, इसको अब हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को हटाते हैं पहले, तो सी नॉट सी प्लस सी आर टी लेन पी प्लस डी म्यू नॉट डी प्लस डी आर टी लेन पी इज इक्वल टू ए म्यू नॉट ए प्लस ए आर टी लेन पी प्लस बी म्यू नॉट बी प्लस बी आर टी लेन पी, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ पे आर टी वाले टर्म्स है, यहाँ पे आर टी वाला टर्म्स है, यहाँ पे आर टी वाला टर्म्स है, यहाँ पे आर टी वाला टर्म्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, आर टी वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, सी आर टी। तो आर टी ये वाला टर्म्स में आर टी कॉमन ले लेते हैं, तो आर टी कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, सी लेन पी। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे छुट गया, ये सी वाले टर्म्स है ना, तो यहाँ पे पी सी कर दो। यहाँ डी वाले टर्म्स है, ये डी और ये ए और ये बी वाले टर्म्स है। रेशियो भी तो हम लोग लेंगे ना उसके, इसका तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा पी। ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया पी सी, ठीक है। प्लस आर टी कॉमन ले लिए हैं, तो हम लोग क्या बचा, सी लैन पी सी और डी लैन पी डी बचा इस साइड से। और इसमें क्या बचा है, इधर बचा है सी म्यू नॉट सी प्लस डी म्यू नॉट डी बचा है, ठीक है। ये बचा है, अब इस साइड का हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी आर टी को कॉमन ले लेंगे, तो आर टी को अगर हम कॉमन ले लेते तो क्या बचता है, ए लैन पी ए प्लस बी लैन पी बी, ठीक है। और फिर ये टर्म्स बचता है, तो इसको लिख दो ए नॉट ए प्लस बी म्यू नॉट बी, ठीक है। ये टर्म्स बचता है। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग, आर टी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये लॉग का टर्म्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लैन लॉग सॉरी लैन पी सी सी प्लस लैन पी डी डी, ये टर्म्स लिख सकते हैं। प्लस ये आर टी जो इधर है, इस साइड आर टी है, इसको इस साइड ले जाते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा आर टी, इसको भी इसी टर्म्स में लिखेंगे, तो लैन पी ए ए प्लस लैन पी बी बी, ठीक है। इधर वाले टर्म्स को लिखते हैं ए म्यू नॉट ए प्लस बी म्यू नॉट बी, ठीक है। ये तो इधर वाला टर्म हो गया, इधर वाला प्लस में है तो माइनस में ले जाएंगे उधर, तो माइनस सी म्यू नॉट सी प्लस डी म्यू नॉट डी, ठीक है। ये आ गया, इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, आर टी आर टी ये क्या है, प्लस में है, तो प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लॉग का टर्म्स है प्लस में रहता है, तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो लैन पी सी सी डॉट पी डी डी, यहाँ कैपिटल होगा, ठीक है। और सिमिलरली इस साइड भी वैसे कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, लैन पी ए ए डॉट पी बी बी। इधर हम लोग देख लेते हैं ये क्या है, देखो ये स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है, तो रिएक्टेंट का स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है, तो इसको हम लोग जी स्टैंडर्ड रिएक्टेंट रिएक्टेंट लिख सकते हैं, और ये जी प्रोडक्ट हो जाएगा, जी प्रोडक्ट, ठीक है। सॉरी, तो ये जी प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट का गिव्स फ्री होना फ्री एनर्जी हो गया, और ये प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी हो गया, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें आर टी हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, लैन पी सी लैन पी डी डी बचेगा, ठीक है। और इधर माइनस लैन पी ए ए पी बी बी इक्वल टू जी, इसमें नेगेटिव हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट। इसमें क्या किया हम लोग, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिए, तो प्रोडक्ट आगे हो गया और इसमें नेगेटिव रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और फर्दर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव क्या होता है, फर्दर डिवाइड के फॉर्म में हो जाता है, लॉग का टर्म्स है, तो ये नेगेटिव में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो लैन पी सी सी डॉट पी डी डी अपॉन पी ए ए डॉट पी बी बी, ठीक है। ये आ गया हमारा, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी कह सकते हैं, वो भी स्टैंडर्ड वाला, तो माइनस डेल जी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, आर टी है तो आर टी को हम उधर भेज देंगे, तो लैन पी सी सी नॉट पी डी सॉरी कैपिटल होगा डी अपॉन पी ए ए नॉट पी पी बी, तो ये क्या हो जाएगा, आर टी उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल जी अपॉन आर टी। लैन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी सी सी नॉट पी डी डी अपॉन पी पी ए ए नॉट पी बी बी, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैन हटाएंगे तो इधर ई हो जाएगा और ये पावर में चला जाएगा, डेल जी अपॉन आर टी, ठीक है। ये टर्म्स आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा टर्म्स फाइनली आ गया है आफ्टर वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब इसमें जो डेल जी है ना, जो हमारा जो फ्री एनर्जी है, चेंज इन फ्री एनर्जी जो है, ये सिर्फ तुम्हारा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, डेल जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो पी सी सी पी डी डी अपॉन पी ए ए पी बी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म हम लोग लेते हैं के पी, ठीक है। तो यही है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शंस, ये क्या हो गया, प्रेशर्स कांस्टेंट प्रेशर्स फॉर्म में ले लिए, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा, कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी हम इसको निकाल सकते हैं, बट प्रेशर्स के टर्म्स में निकाले हैं, ठीक है। इसको हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट का मल्टीपल्स अपॉन रिएक्टेंट का मल्टीपल इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही हमारा है लॉ ऑफ मास एक्शंस। सो एक बार हम क्लियरली आप लोग को
दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा था थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी कंटिन्यू।